नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग जानेंगे मेन बैटल टैंक्स ऑफ इंडियन आर्मी के बारे में। जैसा कि आप सभी ऑलरेडी टाइटल से जान ही चुके होंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे मेन बैटल टैंक दी अर्जुन की। अर्जुन एक थर्ड जनरेशन मेन बैटल टैंक है जो कि इंडियाज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है। इस टैंक का नाम महान धनुर्धर अर्जुन के नाम पर रखा गया है। यह टैंक एक 120 mm मेन राइफल गन विद इंडिजीनियसली डेवलप्ड आर्मर पियर्सिंग फाइन स्टेबलाइज डिस्कार्डिंग सबॉट एम्यूनिशन, एक PKT 7.62 mm को एक्सिल मशीन गन एंड एक NSVT 12.7 mm मशीन गन से लेस है। यह टैंक सिंगल MTU मल्टीफ्यूल डीजल इंजन से चलता है एवं यह टैंक मैक्सिमम 67 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से चल सकता है। इसकी क्रॉस कंट्री स्पीड 40 किलोमीटर पर आर है। यह टैंक चार लोगों के द्वारा ऑपरेट किया जाता है बेसिकली, जो कि हैं कमांडर, गनर, लोडर एंड ड्राइवर। इस टैंक का निर्माण कार्य CVRDE के द्वारा 1972 में शुरू किया गया था, लेकिन भारत सरकार के द्वारा इसके लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन का निर्णय 1996 में लिया गया था। इसका लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन अवधि में शुरू हुआ था 1996 में इंडियन ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज में। अगला है हमारा T-90 भीष्म मेन बैटल टैंक, जो कि दुश्मन के छक्के छुड़ाने में माहिर है। T-90 एक रशियन थर्ड जनरेशन बैटल टैंक है जो कि सर्विस में 1993 में आया था। अगर आपने हमारी वीडियोस देखी होंगी जो कि पहले मैं अपलोड कर चुकी हूँ ऑलरेडी, तो आप जान चुके होंगे कि इंडियन डिफेंस सिस्टम में मोस्टली हथियार रशिया से ही मंगाए जाते हैं, चाहे वो फाइटर जेट्स हो या फिर बैटल टैंक। यह टैंक अपग्रेडेड वर्जन है T-72B MBT का एंड इसमें कुछ फीचर्स हैं T-80U के। इसका नाम शुरुआत में T-72BU रखा गया था, बट बाद में इसका नाम T-90 रख दिया गया था। T-90 125 mm 2A46 स्मूथ बोर मेन गन, 1A45T फायर कंट्रोल सिस्टम, अपग्रेडेड इंजन, गनर्स थर्मल साइट से लेस है। इस टैंक का स्टैंडर्ड प्रोडक्टिव मेजर इंक्लूड करता है एक ब्लेंड ऑफ स्टील एंड कंपोजिट आर्मर, स्मोक ग्रेनाइट डिस्चार्जर्स, एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर एंड द ATGM जैमिंग सिस्टम। तो बेसिकली जो जो कमी रशिया को अपनी ओल्ड वर्जन MBTs में लग रही थी, उन सब को ध्यान में रखकर ही इस टैंक का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे T-72 Ajay MBT के बारे में। MBT मतलब कि मेन बैटल टैंक के बारे में। T-72 एक सोवियत मेन बैटल टैंक है जो कि 1971 में बनाया गया था। इसका लेटेस्ट वर्जन T-72B3 जो कि एक नया थर्ड जनरेशन मेन बैटल टैंक 2010 में बनाया गया था। वेल, T-72 टैंक के डेवलपमेंट के पीछे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जिनको सॉल्व करने के लिए T-72 टैंक को बनाया गया था। एक्चुअली T-64 टैंक का डेवलपमेंट जब हुआ तो T-64 से बहुत हाई एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल करने की उम्मीद की जा रही थी। दरअसल T-64 एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था तथा जिसका वेट 36 टन से कम रखा गया था। इसका साइज़ बहुत कम रखने की कोशिश के चलते इसमें ऑटोमेटेड लोडिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया, जिसके चलते इसको ऑपरेट करने में सिर्फ 3 शोल्डर्स की ही ज़रूरत पड़ती थी। इसके छोटे आकार के कारण एक प्रॉब्लम सामने आई जो थी इसके इंजन को लेकर, जिसको सॉल्व करने के लिए बनाया गया 700 HP 5 TDF इंजन, जो कि बिल्कुल भी रिलायबल यानी विश्वसनीय नहीं था। उसको रिपेयर करने में भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए काफ़ी समय के बाद T-72 को बनाया गया था। भारतीय सेना में T-72 अजय एक अभिन्न हिस्सा आज बन चुका है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।